मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जारी परिपत्र के अनुसार बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के रूप में जबलपुर के वरिष्ठ एवं दिग्गज कांग्रेसी सम्माननीय पंडित आलोक मिश्रा जी की नियुक्ति की गई है एवं उनका प्रथम बार बालाघाट आगमन होने पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व विधायक माननीय श्री संजय उइके जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद सम्माननीय श्री विश्वेश्वर भगत जी, विधायक द्वय माननीय श्री जामलाल सहारे जी, माननीय सुश्री हिना कावरे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय श्री सम्राट सरस्वार जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव द्वय सम्माननीय श्रीमती पुष्पा बिसेन जी, सम्माननीय श्रीमती हिरासन उइके जी, पूर्व विधायक सम्माननीय श्री मधु भगत जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री राजा लिंधारे जी की गरिमा में उपस्थिति में उनका सम्मान व संगठनात्मक बैठक सम्पन्न हुई। बालाघाट क्षेत्र के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कुछ हमारे जैसे कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो विधायक हैं अशोक सिंह सरस्वाल जी के बारे में भी कई बार बातें आती हैं, पार्टी के बारे में भी कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और हम उनको कैसे काम करने देंगे, ऐसे बहुत सारी अनुभव बातें आती हैं। हमारे एक साथी के साथ भी उसके द्वारा बार बार प्रकाशित करने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर नए एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी बहुत निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए हम लोग कोई मजबूत कदम उठाए, इसलिए संगठन के माध्यम संगठन को मजबूत करके हम कैसे और रणनीति बनाए। भारतीय जनता पार्टी के जो कुनीतियाँ हैं जो शासन प्रशासन का उपयोग करके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने का काम कर रही है, तो आगे हम आगामी रणनीति बनाएंगे। और हमारे प्रभारी जी हम सांसद प्रभारी जी के नेतृत्व में हमारी बहन हिना कावरे जी हैं, हमारे कांग्रेस के जितने पदाधिकारी पूर्व विधायक हैं। यूबीसी को क्या हो गया कि पार्टी में खत्म, आप लोगों के किसी आप कर पा रहे जिस दिन आप सच्चाई जनता की दिखाने के लिए जो अखबार जो न्यूज चैनल सच बात बोलने की बात करते हैं, आपके माध्यम से ही जनता की बात आवाज उठ रही है। हम राजनीतिक पार्टी की ओर से करते हैं, राजनीतिक पार्टी नहीं।